वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ प्रियंका। तो आज है मेरी कजन सिस्टर की वेडिंग, तो उसके लिए मैं रेडी होने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, गेट रेडी विद मी फॉर माय कजन सिस्टर वेडिंग। तो उससे पहले मैं हेयर स्ट्रेट करूंगी। एक्चुअली मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ, हेयर स्ट्रेट करूँ या क्रिम्पिंग कराऊँ या कर्ल कराऊँ। तो मेरा क्रिम्पिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और कर्ल करने के लिए एटलीस्ट दो लोग चाहिए रहते हैं जो स्ट्रेट तो अपने हाथ से कर सकते हैं। इसके लिए मैं स्ट्रेट कराना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ थोड़ा अच्छी दिखूँ। तो उससे पहले मैं बाल झाड़ लूँगी और स्ट्रेट करूँगी। यहाँ पे मैंने ना अपने बालों को सेक्शन वाइज कर लिया है, और मैं हेयर स्ट्रेट करने के लिए वीगा का स्टाइलर यूज कर रही हूँ। मैं इस पर ना पूरा वीडियो बनाऊंगी एक्सप्लेनेशन के साथ और अपने चैनल पे डालूंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। लुक मस्त स्ट्रेट हुआ है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे बाल स्ट्रेट कर लिया है और आगे से बहुत अच्छा दिख रहा है। सिर्फ निकलते वक्त थोड़ा सा आगे से फिर से कर लूंगी। तो अभी रेडी होते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना मतलब स्किन केयर कर लिया है, मैंने स्क्रब यूज कर लिया है, फेस पैक यूज कर लिया है। तो अब मैं टोनर से शुरू करूंगी। एक्चुअली ना जब सब मैं रेडी हो रही थी ना, तो मेरे साथ ना बहुत लोग रेडी हो रहे थे, तो इसके लिए ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा और आगे पीछे आ रहे थे जा रहे थे डिस्टर्ब कर रहे थे, तो मैं वॉइस ऐसा डाल नहीं पाई। तो मैं इसके आगे का वॉइस ओवर ही करूँगी। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर टोनर यूज़ किया, और टोनर सेट होने के बाद मैंने यहाँ पर सेटेफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। सेटेफिल का मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत पसंद है, वो क्लेम करता है कि आपका स्किन पर 48 आवर्स मॉइस्चर रखेगा, तो वो मुझे सीरियसली बहुत पसंद है, मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अनइवन स्किन टोन पे मेरा ये ऑरेंज कलर का करेक्टर लगाया, अंडर आईज के उधर सब लगाया, और उसको हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे इनसाइड का HD कंसीलर यूज़ किया और उसको अच्छे से ब्लेंड करके ले लिया, मतलब सेट करके ले लिया। और फिर उसके ऊपर मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन यूज़ किया। ये फाउंडेशन है ना एकदम सेट हो जाता है मेरे, मतलब मैच हो जाता है पूरा मेरे स्किन पे, और मुझे ये फाउंडेशन बहुत पसंद है। मेरे फर्स्ट फाउंडेशन आई थिंक सो, मैंने मतलब हाई प्राइस में देखा जाएगा तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा लगा के इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे मालियाओ का लिक्विड ब्लश यूज़ किया है रिसेंटली, ये मेरा एकदम दिल चाह पसंदीदा ब्लश हो गया है। ये मैंने जब लगा रही थी ना, तो मेरे पापा बोलते कि तेरे को ब्यूटी पार्लर वाली की ज़रूरत नहीं, तू अपने शादी में ना खुद से मेकअप कर सकती है, तो मुझे बहुत हंसने का आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे आईब्रो सेट कर लिया अपना आईब्रो पेंसिल से। मैंने मेकअप सेट करने के लिए मालियाओ का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही थी। अब बारी आती है आई मेकअप के लिए, तो बहुत ज़्यादा फॉल होता है, तो मैंने आईज के नीचे ना पाउडर लगा के रखा था। तो यहाँ पे मैंने अपने आई शेडो पैलेट में से रेड और पिंक मिक्स में एक शेड था वो लगा लिया था, उसको अच्छे से आइस के ऊपर ब्लेंड कर लिया, और उसके ऊपर मैंने ये शिमर का छोटा सा एक शिमर का ये था मुझे यूज़, इस पर यही लुक मैंने सोच के रखा था, तो मैंने ये अच्छे से लगा लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आईलाइनर लगा के मस्कारा लगा लिया था। मैंने आईलाइनर का वीडियो डाला नहीं है क्या, मुझे पता नहीं स्किप हो गया था मुझसे। फिर मैं हाइलाइटर लगाना भूल ही गई थी, तो मैंने यहाँ पर मेरा ये हाइलाइटर यूज़ किया, और मैंने इतने सारे लिपस्टिक ट्राई किए, कोई भी लिपस्टिक अच्छे नहीं दिख रहे थे। लास्ट में ये रेड कलर का जो लोकल मार्केट से खरीदा था 100 रुपये का, वही अच्छा लगा, तो मैंने वही डाल लिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी के सेटिंग स्प्रे से अपना मेकअप सेट कर लिया, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी मैं कौन सी इयरिंग डालूँ, ये वाली कि ये वाली। फिर फाइनली मैंने ये चांद बाली जैसा कुछ नो डाला था, मेरे डैड की फेवरेट, मेरे डैड को बहुत पसंद है, उन्होंने ही सजेस्ट किया मुझे ये वाला। अब फिर बाद में मैंने ये ऑक्सीडाइज का ये हाथ का कड़ा डाल लिया, और यहाँ पर मैं रेडी हो गई। आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट कीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।